Hello children, today we are going to continue the chapter number 5, shapes and designs. In previous video, we learnt about corners, edges, tangrams. Now, today we are going to discuss about pattern. Children, pattern are seen in your clothes, means in your mother, sari, shawl, dupatta, floor, then mat, right? There are different type of patterns you can see in routine life. Here page number 69, there are some patterns given. You can see there are so many shapes using pattern and repeated shape, like triangle hai, फिर हेक्सागोन, स्क्वायर, सर्कल, हाफ सर्कल, देन मैंगो शेप है, राइट? सो इन पैटर्न देयर आर मेनी शेप्स लाइक यूज होता है. पैटर्न्स मींस कोई भी शेप है उसको रिपीट करना. रिपीट ऐसे करेंगे, कोई भी शेप्स फिट ऐसे होते हैं कि देयर इज अ नो गैप बिटवीन देम. टू शेप्स हियर, वन गिवन पैटर्न से हियर ओनली टू टाइम फ्लोर है, फ्लोर की पैटर्न है और यहाँ पे आप देखोगे तो टू टाइल्स नहीं है बट ओनली वन टाइल्स. बट टाइल्स को ऐसे अरेंज किया है कि देर इज अ नो गैप बिटवीन देम एंड जब फ्लोर के ऊपर फिट होती है तो ऐसा लगता है जैसे ओनली वन फ्लोर है, वन ही पूरी डिजाइन है. हियर हेक्सागोन सेट, तो इन हेक्सागोन सेट और पैटर्न, पैटर्न में क्या ध्यान रखते हैं तो हमने जो पढ़ा वो कॉर्नर एंड एजेस से हियर, कॉर्नर से कॉर्नर फिट होते हैं और एजेस से एजेस फिट होते हैं और एजेस एंड कॉर्नर हाउ टू फिट. सो फिट ऐसे होते हैं कि देर इज नो गैप बिटवीन टू सेट्स. यहाँ पे आप देखिए कि हेक्सागोन शेप है तो ये ओनली वन शेप है पर उसको ऐसे अरेंज किया है हियर एजेस टू एजेस एंड देन नीचे कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे अरेंज किया है कि एक पैटर्न पूरी बन जाएगी. हियर ट्राइंगल शेप, सो इन ट्राइंगल से दिस इज अ ट्राइंगल ऐसे है, यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसा है और यहाँ पे जो यही ट्राइंगल है बट उसको उल्टा फिट किया हुआ है, राइट? सो एजेस एंड कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे फिट किया है कि उसमें गैप ना रहे. हियर वन सेट, ओनली वन सेट बट हियर यू कैन सी और आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज अ टू टाइप, टू डिफरेंट शेप टाइप बट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ टाइप्स. शेप इज वन बट अरेंज इस तरह से किया है ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, सो दोनों को ये सीधा है और ये कन्वर्ट कर दिया है उसको ऐसे शेप में, राइट? तो ऐसे आपको भी यहाँ पे इन पिक्चर से हियर शेप दिए हुए हैं पेज नंबर 71 पे और आपको मैच करना है. सो हियर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ डिजाइन एंड ओनली हियर वन टाइल्स. सो आपको मैच करना है कि ये जो डिजाइन है वो कौन सी फ्लोर के मैच हो रही है. सो हियर ये दिस इज अ ट्राइंगल शेप, सो मैच इट विथ देन हियर ट्राइंगल हियर हियर. सो देन सी यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक दूसरे के साथ ऐसे फिट हुई है कि बीच में गैप नहीं है. हियर द पैटर्न बिलो द मैट फ्रॉम अ वन टाइल्स, ओनली दिस टाइप ऑफ टाइल्स और ऐसे शेप बनाए हुए कि आपको हर में कलर ऐसे किया है कि आपको पैटर्न अलग अलग दिखेगी. यहाँ पे स्टेप्स आपको जैसे दिखाई देता है यहाँ पे थ्री ऐसे कलर किए हैं कि आपको एक अलग से डिजाइन बनती हुई दिखाई देती है. सो
here your chapter is finished, and I hope you can understand properly. If you have any doubt, so note down and we discuss later. Thank you.